एग्जाम है कल क्रिश स्कूल में। दो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सरिता, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स है लॉज ऑफ मोशन तक, उसमें डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, टू प्लैनेट्स हैं, सिर्फ वो 3-4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं करवा दिया, मैं मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, क्या जैसी लास्ट क्लास है आपकी 11th की। तो दो प्लैनेट्स है मेरे पास, एक का रेडियस है मान लेते हैं 8 मीटर और दूसरे वाले का रेडियस है मान लेते हैं 3 मीटर, 8 भी नहीं, यहाँ 2 लिख देते। तो आपको बताना है T1:T2 क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हमारे पास दो प्लैनेट है, दोनों के रेडियस दे रखे हैं हमें 2 मीटर एंड 3 मीटर, हमें उनके टाइम पीरियड्स का रेशियो बताना है। कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? ग्रेविटेशन चैप्टर किया है सबने? यस मैम। यस मैम। तो कहाँ से कहाँ पे होता है रेडियस और यहाँ पे टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है? मैम अगर रेडियस कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा, और रेडियस ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा। हाँ ये ठीक है आपने जो बोला, पर फॉर अगर मेरे को वैल्यू बतानी है T1/T2 की तो क्या लिखूं? केपलर के लॉ पढ़े हैं? बोलो निपुन। केपलर के लॉस पढ़े हैं स्कूल में? यस मैम। थर्ड लॉ क्या कहता है केपलर का? mt² ∝ r³। हाँ का क्यूब। अब एक बार ट्राई करो सब लोग, क्या रेशियो आ रहा है T1 और T2 का? क्या रेशियो आ रहा है? देखो हमारे पास यहाँ दो रेडियस है, अगर T1 की बात करूं तो वो प्रोपोर्शन होगा r1³ के, T2 की बात करूं तो वो प्रोपोर्शन होगा r2³ के, स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मेरे पास आएगा ये, ऐसे लिख सकते हैं? ये क्लियर है सबको? ओके। अब यहाँ पे T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 का क्यूब, मतलब 2³/3³ विच इज इक्वल टू 8/27। तो T1/T2 क्या आएगा? √8/27। क्लियर है सबको? ये डाउट है? यस मैम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मैम आपकी आवाज बड़ी धीरे सुनाई दे रही है। सबको ही धीरे सुन रही है? नो मैम। नो मैम। सरिता एक बार वॉल्यूम बढ़ा के देखो। सरिता ये जो ऊपर का बटन है इस पे स्पीकर पे द्वारा क्लिक करो, फिर आवाज आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास
हमें बताना कितनी हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो 36% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। वो कौन सी हाइट है जिसपे जी की वैल्यू 36% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा? क्वेश्चन कलर समझ आया सबको? हमारे पास अर्थ के सरफेस पे क्या होती है जी की वैल्यू? 9.8। अब इस वैल्यू से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है वो कौन सी हाइट है जिसपे इसकी वैल्यू 36% हो जाएगी। कैसे पता लगा सकते हैं? किसी को फॉर्मूला याद है इसका? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ पढ़ा है ना स्कूल में या नहीं पढ़ा है? हम पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है फिर सरिता हाइट के केस में? जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है, याद है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास जी डैश की क्या वैल्यू है? अच्छा ये बताओ कौन सा चैप्टर की क्वेश्चंस करने, इसमें आप कुछ भूल ही नहीं रहे हो, कौन सा चैप्टर की प्रैक्टिस कर उसके करवाती हो? आप जो भी बोलोगे मैं उस चैप्टर की करवा दूंगी, बट प्लीज आंसर कर दो। सरिता, केशव, निपुण, क्रिश, ललित ऑलरेडी कम स्टूडेंट्स हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है ऑसिलेशन एंड वेव पे चलते हैं। हमारे पास कोई भी अगर वेव होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? सिंपल इक्वेशन SHM, ठीक है। वेव की सबसे सिंपल इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होती है इक्वेशन। ओके, इसमें ए क्या होता है? एक एक पहले टर्म्स बताओ, ए क्या होता है यहाँ पे? रेडियस, ए रेडियस होता है, ओके। और ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। के क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ए रेडियस नहीं होता है जब हमारे पास कोई वेव होती है। तो अब ये देखो यहां तक स्टार्ट हो रहा था, ये पार्टिकल मैक्सिमम इतना ऊपर तक गया और इस एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम, इस पे लेते हैं वाई। तो ये जो मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है वो होता है ए, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। रेडियस नहीं होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड। और वाई यहाँ पे हर पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है सबको? ओमेगा yes, जैसा साहिल ने बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों कोई सभी बोल सकते हो आप। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 2π/T या फिर 2π ν। और के जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है उसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ, 2π/λ। और यहाँ पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ है। अब यहाँ पे ये तो मैंने नॉर्मल वेव इक्वेशन लिखी, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो उसका मतलब क्या होता है? पहले वेव ऐसे जा रही थी, अब जब भी हमारे पास प्लस आएगा मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो नेगेटिव वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, जब यहाँ नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब वो जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, और यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब न्यू बी और लैम्डा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, कोई बता सकता है क्या रिलेशन बनेगा?
आप लोग ट्राई करो वी न्यू और लैम्डा, सबको पता है न्यू फ्रीक्वेंसी है. v equals to mu into lambda. Correct. हमारे पास वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ आता है और ये वन अपॉन टाइम वो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो v equals to lambda न्यू होता है. ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू. 0.005 एम्पलीट्यूड हो गया 0.005. एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू. 80. फिर से इक्वेशन लिखते हैं y equals to a sin omega t minus kx. दिख रहा है सबको ये? यस मैम. अब सोच के बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू है यहाँ पे. 3. जो टी के साथ टर्म लगी होती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे टी के साथ 3 लगा हुआ है तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू आ गई 3. आप कोई फ्रीक्वेंसी बता सकता है कितनी होगी. आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. ओमेगा होता है 2π न्यू और न्यू मैंने पूछा है तो 3 equals to 2π न्यू तो न्यू की वैल्यू 3/2π हो जाएगी. क्लियर है सबको ये? यस मैम. अब आपको बताने हैं वेवलेंथ क्या है. तो वेवलेंथ कैसे पता लगा सकते हैं. प्लीज जो भी आपको लग रहा है आप आंसर कर दो कि कैसे पता लगाएंगे. कैसे कैसे पता लगाएंगे. यहाँ पे के की वैल्यू क्या है. 80 है और के हमारे पास होता है 2π/λ तो लैम्डा भी आ जाएगा 2π/80. यस मैम. अब आपको वेलोसिटी बतानी है. वेलोसिटी क्या है. फ्रैक्शन में बता सकते हो जो भी आ रही है. मैम 3/80. 3/80. देखो हमारे पास वेलोसिटी होती है लैम्डा इनटू न्यू. यहाँ पे लैम्डा आ गया 2π/80 और फ्रीक्वेंसी है 3/2π. तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 3/80. क्लियर है सबको ये. अब फेज क्या होता है किसी को पता है. फेज पता है किसी को. फेज बेसिकली होता है एक तरीके से एंगल. प्रॉपर एंगल नहीं होता अभी उसको समझने के लिए देखते. जैसे मान लो मेरे पास एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव ऐसे जा रही है. एक ऊपर वाली वेव है और एक नीचे वाली वेव है. दोनों में क्या फर्क है ऊपर और नीचे वाली में. ऊपर और नीचे वाली वेव में क्या फर्क है. उल्टी है ना वो. ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है. ऐसे ही है. yes, ma'am. तो बेसिकली फेस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस कि ऊपर वाली और नीचे वाली में कितने एंगल का डिफरेंस है.
तो जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे कोई पार्टिकल, मैंने ड्रॉइंग बना दी, मैं इसको अगर नीचे की तरफ बनाऊं तो यही बात है ना, यहाँ पे ऊपर वाली वेव है, नीचे वाली वेव है, तो हमने क्या किया 180 डिग्री शिफ्ट करा दिया कि वो पहले ऊपर की तरफ था, इसको अगर मैंने 180 डिग्री घुमाया तो वो नीचे की तरफ हो गया। तो ऐसी एंगल डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं फेज। अब हमारे पास फेज डिफरेंस मतलब दो वेव है उनके बीच में कितने एंगल का फर्क है, और पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकता है कोई क्या होता है? मान लो यहाँ पे ए बी दो पॉइंट है और इन दोनों को सी पे पहुंचना है, तो मान लेते हैं ए को लगा रास्ता एक्स पार करना और बी को लगा वाई, तो ये जो इन्होंने कितना डिफरेंट रास्ता पार किया मतलब वाई माइनस एक्स, वो होता है पाथ डिफरेंस। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। तो पाथ डिफरेंस बेसिकली लेंथ होती है हमारे पास। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ना एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, हमें पता है फेज डिफरेंस एंगल होता है। तो अगर मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 पाई ये एंगल आ गया डिवाइड बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे। अब ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है कि करेक्ट है? देखो हमें एंगल चाहिए था, राइट साइड में देखते हैं क्या ये डायमेंशन करेक्ट है या गलत। डिनोमिनेटर में लेंथ आ गई और न्यूमरेटर में लेंथ आ गई, लेंथ से लेंथ कट जाएगी yes, ma'am. और सिर्फ ये एंगल बच जाएगा और हमें लेफ्ट साइड में एंगल ही चाहिए था। ये क्लियर है सबको? yes, ma'am. अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है वेलोसिटी है एक वेव की 20 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमें बताना है फेज डिफरेंस, जब हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फेज डिफरेंस बताना है जब पाथ डिफरेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, उससे हम लोग लैम्डा शायद निकाल सकते हैं। ट्राई करो एक बार। हम 50 पाई 50 पाई तो नहीं आएगा। देखो हमारे पास फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना है एंगल। 2 पाई है, लैम्डा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? v बाय न्यू है ना। वेलोसिटी है 20, न्यू है 50 और फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस 10 दे रखा है। ऐसी क्या सबने? अब ये जो पाथ डिफरेंस है ये सेंटीमीटर में है, ये नहीं देखा होगा आप लोगों ने, उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। यस मैम। हाँ अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? पाई बाय टू। और इसकी यूनिट क्या होगी सरिता? पाई बाय टू यूनिट नहीं होगी, रेडियन। रेडियन होती है, जहां पे भी एंगल आएगा वहां रेडियन लिख देना। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब मान लेते हैं मेरे पास है y इक्वल्स टू 2 sin 2π 75t माइनस एक्स बाय 60 और हमें बताना है फिर से एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ ये सारी चीजें बतानी, तो जिसको जो भी आता जा रहा है वो बताते जाओ।
एम्पलीट्यूड तो बता सकते हैं सब लोग? एम्पलीट्यूड टू. फ्रीक्वेंसी? सेवेंटी फाइव. देखो यहाँ पे टू पाई मल्टीप्लाई होगा तो टू पाई इंटू 75 टी, और टी के साथ ओमेगा लगता था, ओमेगा टी. मतलब टू पाई न्यू की जगह यहाँ पे टू पाई 75 है, तो फ्रीक्वेंसी 75 हो गई. क्लियर है सबको? टाइम पीरियड बताओ फिर. फ्रैक्शन में बता दो, अभी पूरा कैलकुलेट मत करो. जाए कितना आ रहा टाइम पीरियड? 1/75 हो जाएगा ना. फ्रीक्वेंसी 75 है, वो 1/ टाइम पीरियड होती है. ये क्लियर है सबको? यस मैम. वेवलेंथ और बताओ, वेवलेंथ भी फटाफट मिल जाएगी. साहिल वेवलेंथ क्या आ रही है? देखो हमारे पास केक्स वाली टर्म से मिलती थी वेवलेंथ. अब यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो मेरे पास ये टर्म आ रही थी 2 पाई 75 टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 60. मतलब ये पूरा के हो गया ना जो एक्स के साथ लगा हुआ है. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम. तो ये के की वैल्यू हो गई 2 पाई बाय 60, और के का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाय लैम्डा. तो लैम्डा क्या हो गया? 60 हो गया ना यहाँ से. यस मैम. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होती थी. क्या वैल्यू है इसकी यहाँ पे? 2 पाई इंटू 75. यस मैम. इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? 150 पाई लिख सकते हैं. 2 इंटू 75 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास ये 150 पाई आ गया. ये क्लियर है सबको? यस मैम. अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वेव्स की दो मीडियम्स में, लाइक अगर मैं बात करूं सॉलिड में और एक अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग्स में, तो सॉलिड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था ना वेलोसिटी का, वो किस किस पे डिपेंड करती थी? बल्क मॉडुलस पे और डेंसिटी पे करती थी. यस मैम. और स्ट्रिंग्स के केस में वेलोसिटी डिपेंड करती है, बल्क मॉडुलस नहीं होता, वहां पे होता है टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ. यही होता था? यस मैम. अब पहले तो ये बताओ, ये ऊपर वाले फॉर्मूला जो हमारे पास आया उसमें दो करेक्शन हुए थे, एक न्यूटन ने दिया था, एक लैपलास करेक्शन था. क्या था वो करेक्शन पता है किसी को? गामा. हाँ गामा आया था. वो गामा कैसे आया था? मतलब न्यूटन और लैपलास ने ऐसा क्या चेंज किया था कि हमारे पास गामा आ गया? एडियाबेटिक. न्यूटन को लगा आइसोथर्मल प्रोसेस था, लेकिन मैम वो एडियाबेटिक प्रोसेस था. बिल्कुल करेक्ट. न्यूटन ने बोला था आइसोथर्मल है, वहां से पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा था,
पर हमारे पास लैपलास करेक्शन में पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है और यहीं से गामा का फैक्टर है। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं, क्वेश्चन देते हैं, हमारे पास है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर सेकंड। हाँ, और हमें बतानी है कि डेंसिटी क्या होगी व्हेन वेलोसिटी इज 2.79 इंटू 10 की पावर 3। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हमारे पास ईटा दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, हमें डेंसिटी बतानी। फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ईटा वाले में तो फर्स्ट वाला यूज होगा, तो एक बार ट्राई करो सब लोग, डेंसिटी कितनी आ रही है। कितने आ रही है? बस इसमें पुट करनी है वैल्यू, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ऑलमोस्ट 2.8 का स्क्वायर है इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन डेंसिटी। यहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 के अराउंड आ रहा है तो करेक्ट है, 2 समथिंग। जैसे प्रॉपर आंसर अगर हम देखें तो 2.769 करेक्ट है सरिता का, इंटू 10 की पावर 3। ये जिस जिसका आंसर आ रहा है 2.69, 2.6, 2.7, उन सबका करेक्ट है, पर पावर यही होनी चाहिए 10 की पावर 3। साहिल अपनी करेक्शन चेक करो, मतलब कैलकुलेशन। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हमारे पास एक वायर है, वो है 0.72 मीटर लॉन्ग और उसका मास दे रखा है 5 × 10 की पावर -3 kg। इफ द वायर इज अंडर द टेंशन 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? वेलोसिटी बतानी है ट्रांसवर्स वेव। तो पहले तो ये बताओ, इसमें स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला यूज होगा या फिर सॉलिड्स वाला? टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ वाला यूज होगा? कितने आ रही है वैल्यू वेलोसिटी की? पहले आप स्क्वायर रूट के बाहर बता देना, फिर स्क्वायर में बता दे अंडर रूट करने के बाद।
कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ पे जब मैम 92.5 समथिंग, 92.5 ठीक है, 92.5 ना मतलब. पर एक्चुअली में ये मास पर लेंथ होता है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो मास दे रखा है 5 × 10⁻³, इसको डिवाइड करना है 0.72 से, तो यहाँ से डिवाइड करना है, हो जाएगा ये सबसे. इसकी वैल्यू निकालनी थी. अब अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, उसको बस समझेंगे, कैलकुलेशन शायद स्किप कर देंगे. मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन की अ कॉपर वायर इज हेल्ड एट टू एंड्स बाय अ रिजिड सपोर्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस. द वायर इज जस्ट टॉट विद नेग्लिजिबल टेंशन, ये टेंशन नेग्लिजिबल है, और हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ा है आपने? नो मैम, नहीं पढ़ा है. अच्छा ठीक है, फिर स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन. ऑसिलेशंस भी बोल रहे थे ना आप लोग, उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहले ये बताओ, जब हम ऑसिलेशंस में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं? ए साइन ओमेगा टी. अब अगर मेरे पास एक पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, पता है किसी को? मेन पोजीशन पे जीरो जीरो होता था, और एक्सट्रीम वाले पे मैक्सिमम मैक्सिमम. तो देखो यहाँ पे ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मेन पोजीशन का मतलब है ये दोनों पॉइंट जिसमें पार्टिकल ऑलमोस्ट रेस्ट पे, और जब ये मूव कर रहे थे सर्कुलर पाथ में फॉर एग्जांपल, तो ये जो दो पॉइंट है ये एक्सट्रीम वाले, तो हमारे पास उस पे वैल्यू होती है प्लस माइनस ए. ऐसे अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया था, लास्ट क्लास में भी करा था, और एक और फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, याद है सबको? यस मैम. अब वेलोसिटी बताओ मेन पोजीशन पे क्या होगी? जीरो. मेन पोजीशन पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, जीरो है साहिल. यस मैम. तो जीरो कैसे होगी? अच्छा ये मैंने उल्टा लिखा, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो हमारे पास खाली ये बच गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए ओमेगा. ये क्लियर है सबको? यस मैम. और एक्सट्रीम पे जब वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए, तब वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. जीरो. ये सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. ठीक है, अब एक्सेलरेशन पे चलते हैं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, इसका फिर से डेरिवेटिव माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही होता है? यस मैम. अब इसको अगर हम लिखना चाह रहे हैं वाई एंड ए की टर्म्स में, क्योंकि लास्ट क्लास में नहीं करा था, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि साइन ओमेगा टी की जगह मैं लिख सकती हूँ वाई बाय ए, तो हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. अब आप बताओ इसकी वैल्यू मेन पोजीशन पे क्या होगी? जीरो. जीरो. और एक्सट्रीम पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. ये क्लियर है सबको? यस मैम. अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है
और हमें बताना है वेलोसिटी एट डिस्टेंस रूट थ्री बाय टू फ्रॉम द, हाँ हमें बताना वेलोसिटी जब डिस्टेंस है रूट थ्री बाय टू, बस इतना ही क्वेश्चन। कोई कर रहा है ट्राई कि वेलोसिटी क्या आएगी? यहाँ पे रूट बाय थ्री, रूट थ्री बाय टू का मतलब है रूट थ्री बाय टू ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब जो वाई की वैल्यू थी जो प्रीवियस स्लाइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में वाई की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री बाय टू ए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी क्या आएगी। ओमेगा इनटू अंडर रूट ए ब्रैकेट में 2a माइनस अंडर रूट 3 बाय 2, 2a माइनस, देखो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे ओमेगा एज इट इज है, ए स्क्वायर हमें पता है एज इट इज लिखना है, वाई की वैल्यू है रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये 3 बाय 4 आएगा ना सरिता। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ओमेगा आ गया 4, हमने एलसीएम लिया तो फर्स्ट टर्म आए 4 ए स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 ओमेगा ए बाय 2, ओमेगा ए बाय 2। क्लियर है ये सबको? यस मैम। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है पार्टिकल का, वो है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। हमें टाइम पीरियड बताना, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, टाइम पीरियड बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी दिखा देती हूँ आप लोग को, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला, और हमें कैपिटल टी की वैल्यू बताना। ट्राई करो एक बार सब लोग। माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर तो नहीं आएगा, आपने टाइम का स्क्वायर निकाल दिया शायद साहिल। सहिता क्या आंसर आ रहा है आपका? पाई, पाई आएगा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन को पुट करेंगे 12, जब डिस्टेंस है 3 मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 3, ये डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 हमारे पास क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इस नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 आएगा और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t इक्वल्स टू पाई आया। साहिल कहाँ पे मिस्टेक हुई थी? t स्क्वायर कर दिया, t स्क्वायर कर दिया था। अब हुक्स लॉ क्या कहता है हमारे पास? स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस. इसके अलावा एक और वाला भी था ना, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, जो स्ट्रिंग्स के केस में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है. ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है ना. ये फोर्स रिस्टोरिंग वाला होता था, एफ इक्वल्स टू फिर माइनस के एक्स आता था. और स्ट्रिंग के केस में इसीलिए जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो आता है हाफ के एक्स स्क्वायर. और के की हमारे पास वैल्यू होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. और वेलोसिटी की ऑलरेडी हम निकाल चुकी थी तो वहां से काइनेटिक एनर्जी आती थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स ले लेते एक्स स्क्वायर. क्लियर है सबको? जब आप एक के फॉर्मूले में एक्स लोगे तो दूसरे में भी एक्स लेना. एक के में वाई ले रहे हो तो दूसरे के में भी वाई लेना. ठीक है, एक के में एक्स एक के में वाई वो पॉसिबल नहीं है. अब आप मेरे को बताओ रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू. हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या हो? रेशियो में ध्यान रखना जो ऊपर दिया है वही आंसर में ऊपर आना चाहिए. थ्री ए कहां से आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना. यस मैम. देखो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर. ये हो जाएगा थ्री बाय फोर ए स्क्वायर और बाकी सारी टर्म एज इट इज. और पोटेंशियल एनर्जी के लिए करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाय फोर. इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो बस थ्री बच जाएगा न्यूमरेटर में. विजिबल है सबको ये? सम तो हमारे पास रेशियो में थ्री टू वन आएगा. साहिल आपको भी क्लियर है ये? यस मैम. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है. अ बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 8 सेकंड्स. तो टाइम पीरियड से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी और ठीक. इफ द मास इज 0.1 केजी एंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड आफ्टर it passes through the main position is 4 meter per second. हमें बताना है kinetic energy and potential energy and total energy. एक particle है जिसका time period है 8 second, mass दे रखा है और 1 second बाद की velocity from the main position is 4 meter per second. kinetic potential और total energy बतानी है. question clear है सबको? तो देखो हमारे पास वेलोसिटी के दो फॉर्मूले थे. एक था ये वाला जो टाइम पे डिपेंड कर रहा था और एक है ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास टाइम का फैक्टर दे रखा है तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से निकाल. ये क्लियर है सबको? यस मैम. पर उसके लिए हमें पहले ओमेगा पता होना चाहिए. तो एक बार पहले ओमेगा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. फ्रैक्शन में रहने देना, किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं. पाई बाय फोर आ रहा है. हमारे पास टू पाई न्यू इक्वल्स टू ओमेगा होता है और यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 8
हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2π/8 विच इज इक्वल टू π/4। अब हमारे पास निकालो वेलोसिटी कितनी आएगी, सॉरी वेलोसिटी तो गिवन है, एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड कितना आएगा। एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, किसी का है मैम 4π/√2π। 4π/√2π। नंबर्स कुछ कुछ करेक्ट है, ऑर्डर उल्टा उल्टा हो रखा है। देखो हम यहाँ पे अगर निकालेंगे वेलोसिटी हमें पता है 4 है, जब टाइम कितना है हमारे पास 1 सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5/4। और यहाँ पे कॉस की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा 5/4 है और टाइम हमें 1 सेकेंड लेना है, तो ये वाला 4 उधर जाएगा तो 16/5 तो यहीं से आ गया। और कॉस 5/4 क्या होता है, 1/√2। 1/√2। एम्पलीट्यूड 16√2/5 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हुई थी सरिता, मैंने 8 सेकेंड दे दिया था, 8 सेकेंड दे दिया था, टाइम 1 सेकेंड। अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो कैसे पता लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता था काइनेटिक एनर्जी का, ध्यान से देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता था एक, है ना, और एक वी वाला होता था। आपको ऐसे भी यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमें डिस्प्लेस में नहीं दे रखी। तो कितने आएगी उस टाइम पे वेलोसिटी ये बता दो, साइल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर होता था, अब हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी काइनेटिक के लिए तो हम इजीली निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है सरिता, 0.8 हाँ ठीक है 0.8। अब 0.8 आ रही है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर आता था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स नहीं तो कैसे निकालेंगे हम, बोलो साहिल क्या बोल रहे थे, रेशियो निकाली थी वन भी, तो देखो जैसे पेंडुलम होता था, जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता था तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी होती थी उसके पास, काइनेटिक या पोटेंशियल, जब पेंडुलम मैक्सिमम हाइट पे होता था कौन सी एनर्जी होती थी, पोटेंशियल।
पोटेंशियल होनी थी उस टाइम पे, काइनेटिक जीरो हो जाती थी क्योंकि एनर्जी वेलोसिटी जीरो थी। यस मैम। अब पोटेंशियल एनर्जी तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, मतलब एक्स की वैल्यू ए होगी उस टाइम पे एम्पलीट्यूड के बराबर। यस मैम। तो उस टाइम पे तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ सकती है। यस मैम। अब ये टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट पे सेम ही होती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो अगर हम यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि काइनेटिक 0.8 है, तो उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगी ना उस पॉइंट पे। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास हाफ मास है 0.1, ओमेगा आ रहा था और पाई बाय 4, मतलब पाई स्क्वायर बाय 16, और ए हमारे पास आया था 16√2, मतलब 16 × 2 अपॉन पाई का स्क्वायर। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 से स्क्वायर, 2 से ये 2, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आई? 1.6। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो, टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल से मिलके बनती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब एक सेकंड हम आगे आए थे, तब हमारे पास काइनेटिक की वैल्यू है 0.8, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो भी 0.8। क्लियर है सबको ये? यस सर। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, बस टाइम का फैक्टर दे रखा है, तो हम टोटल एनर्जी करके निकाल सकते। अब हमें टाइम बताना है जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा, और कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, हाँ बस इतना पहले इसका टाइम बताओ, और इस टाइम पे ये भी बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। वो टाइम बताना है जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। ऐसे निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ है, मतलब ये a से a कैंसिल हो गया, हाफ इक्वल्स टू sin ओमेगा t। ये क्लियर है सबको? यस मैम। और sin की वैल्यू कब होती है हाफ? 30 पे। 30 पे, तो इसको पाई बाय 6 लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पाई बाय 6 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, और यहाँ से टाइम आ गया पाई बाय 6 इंटू ओमेगा। ये वो टाइम है जब हमारे पास एम्पलीट्यूड हाफ। क्लियर है ये साहिल और सरिता, बाकी लोगों को भी? यस मैम। यस मैम। तो अब हमारे पास ये, चलो टाइम का क्वेश्चन हो गया पूरा, अब हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस कंडीशन पे जब y half of amplitude। फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, टोटल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, काइनेटिक होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? वाई की जगह बस ए बाय 2 पुट कर रहा है,
जैसे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, तो थ्री बाय फोर और ए स्क्वायर बाकी सारी टर्म एज इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यस मैम। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर बाय फोर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी का कितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी है और कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे पता लगा सकते हो? वो टोटल एनर्जी होती थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है पर एक फोर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का वन फोर्थ, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, और जो हमारे पास काइनेटिक वाली है उसमें भी हाफ आ रहा है एम आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा है पर थ्री बाय फोर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हो जाएगा थ्री बाय फोर ऑफ टोटल एनर्जी। समझ आ रहा है? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि मैंने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा आप लोगों को। कंफ्यूजिंग लग रहा है सबको ना मैम? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इतना ध्यान रखना है बस ऑसिलेशंस और वेवमेंट, टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है तो अगर एक भी निकाल सको तो दूसरी निकालने के लिए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो बस। और टोटल एनर्जी में हमेशा एम्पलीट्यूड पुट करना है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है एक, काइनेटिक और पोटेंशियल में सिचुएशन के हिसाब से पुट करना। क्लियर है सबको? यस मैम। तो अच्छे से सब लोग पेपर देना और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? तो क्योंकि इसके बाद तो क्लास होगी नहीं, अब सीधा 11th के जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद मिलेंगे हम लोग। Yes, अभी और कोई डाउट है किसी को? ऑल द बेस्ट देन एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय बाय देन, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।